Yes, good morning students. As you know that in the last lecture we have discussed the circular motion of a car on a level road. एक level road पे हमने discussion की थी और उसकी speed हमने calculate की थी. What will be the maximum speed when a car is turned on a circular road? तो maximum speed कितनी होनी चाहिए कि तब skip नहीं करे या out of road ना जाए. आज हम डिस्कस करेंगे वो सेम आर्टिकल है, सर्कुलर मोशन है, बट रोड की जो सिचुएशंस है दिस इज द डिफरेंट. लाइक दैट यू कैन सी द नेम ऑफ हेडिंग इज दैट सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड. अब बैंक रोड होता क्या पहले वो समझाना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द बैंकिंग एंगल. ये दोनों टर्म डिस्कस करने के बाद हम आर्टिकल आगे डिस्कस करेंगे. तो सर्कुलर मोशन तो आप समझते हो, ये सर्कुलर मोशन है, इसका मैंने सेंटर मान लिया, ये इसका सेंटर हो गया. हो तो दिस इज अ सर्कुलर रोड. सर्कुलर रोड के बाद आता बैंक रोड के ऊपर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये एक प्लेन सरफेस है. इस प्लेन सरफेस को मैंने क्या किया, ऐसे इंक्लाइंड फॉर्म में कर दिया. मीन्स अगर कोई भी ऐसी जो रोड बनी हुई है इन ए सर्कुलर फॉर्म, द आउटर एज, जो उसका आउटर एज है, इट विल बी राइज, ऐसे ऊपर की तरफ उठा होगा, इस फॉर्म में है आउटर एज. तो इस टाइप के पोजिशन को हम बोलते हैं, दिस इज दिस टाइप ऑफ रोड इज नोन एज द बैंक रोड. तो बैंक रोड क्या होता है, द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज, द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व रोड अबाउ द इट्स इनर एज, अबाउ इट्स इनर एज. तो आपको ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ. ये लेवल हमने हॉरिजॉन्टल डिस्कस किए, बट रोड आप जैसे क्योंकि ये व्हीकल है, ये व्हीकल फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर एज ए कार, तो आपकी इंक्लाइनेशन ऐसे है रोड की, आउटर एज ऊपर से उठा हुआ है, इनर एज कम होते हैं. तो इस सिचुएशन का जो रोड है उसको हम बैंक रोड बोलते हैं. एंगल क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस इंक्लाइंड बैंक रोड के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज द बैंक एंगल, इसको हम बैंक एंगल बोलते हैं. अब इसके बाद हमने ये सब टर्म्स कैलकुलेट कर लिया, हमने रोड क्यों बनाया, क्यों हम बैंक रोड ऐसे बनाते हैं. द सिचुएशन इज दैट टू सेफली ड्राइव ए कार ऑन ए सर्कुलर रोड एंड टू वियर एंड टियर द टायर्स टू टोटली सेव द ट्रम, वी गो फॉर दिस इंक्लाइंड रोड, जिसको बोलते हैं बैंक रोड की तरफ हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है. अब इसमें क्या होता है, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी दिस डायग्राम, द व्हीकल इज लेइंग ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, देन यू कैन सी द वेट इज एट इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना आपका एम जी जो व्हीकल है, और रिएक्शन उसके इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे रिलेटेड है, तो रिएक्शन उसकी ऐसी लग रही है, ऐसे रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, डाउनवर्ड में वेट लग रहा है. देन दिस रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपोनेंट्स, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. अब यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में है, देन इंक्लाइनेशंस द सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्ट, जो मैं लिख दिया यहाँ पर एफ. तो इस एफ को भी हम फिर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एज यू कैन सी दिस डायग्राम. अगर ये एफ लग रहा है ऐसे, तो मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ इज रिप्रेजेंट एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद हमने इसमें एक बात डिस्कस कर ली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस टाइप से हम फोर्स को एक्ट कर रहे हैं, उनको हमने इसमें कैलकुलेट करना है. उसके बाद जो इक्वेशन साइन है उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द वर्टिकल वैल्यू फॉर द सेफ ड्राइविंग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस व्हीकल, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं दोबारा बता रहा हूँ हमने करना क्या है इसमें, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्पीड. हम जैसे हम लास्ट आर्टिकल में कैलकुलेट की थी वेलोसिटी, सेम हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कितनी इसकी स्पीड होगी वो हम सब कैलकुलेट करेंगे. अब इसके बाद ये डायग्राम को डिस्कस करने के बाद, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब वो हम इस इक्वेशंस को कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द फॉर कम्प्लीटली डेरिवेशन. तो फर्स्टली वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशंस एज ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. अब आप इस इक्वेशंस में चेक कर लो,
फॉर एग्जाम्पल ये हम वर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं पहले, वर्टिकली में हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स वगैरह आर साइन थीटा एफ कोस थीटा दोनों वर्टिकल में है, बट देर आर आर सम सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्ट ऑन इट, क्योंकि आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है सर्कल में बात हुई तो इनर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। देन यू कैन से दोज फोर्स आर एक्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फॉर्म विद विच इज इक्वल टू ए सेंट्रीपेटल फोर्स। एज यू कैन सी मैं the equations, which equations? This equation is equal to yes, then we can write the equations. इसमें आपके पास क्या है? We can write here the equations. R cos theta. ये कितना R sin theta? आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन में। ये कैसे है तो यू कैन चेक फ्रॉम द डायग्राम। इस डायग्राम में देखो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं एक एफ कोस थीटा है एक आर साइन थीटा है, एंड एज यू नो दैट दिस ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ देन सम फोर्स इज एक्ट इनवर्ड द सेंटर, दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर एंड दिस फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। आफ्टर दैट इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेट किए। तो पहले हमने कैलकुलेट किया था हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में से अब वर्टिकल में कैलकुलेट करना है। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है? वेट एम जी, और ऐसे ही यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है? एफ साइन थीटा। तो हमारे पास क्या है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू आर कोस थीटा। तो यू कैन चेक द क्वेश्चन, एम जी प्लस एफ साइन थीटा डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड में इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ये आगे क्वेश्चन नंबर टू। आफ्टर दैट यू कैन डिवाइड द इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को डिवाइड, यू कैन चेक वी डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन नंबर टू। हमने इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड कर दिए तो यू गेट द वैल्यू ऑफ आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड बाय एम जी साइन, एम जी प्लस एफ साइन थीटा डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय आर कोस थीटा। और यू कैन चेक द डायग्राम, आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्वल टू एम डिवाइड है आर कोस थीटा, आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी, ये लिख सकते हैं। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, हम क्या करेंगे इस आर कोस थीटा की वैल्यू एम जी है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली आई एम राइट है आर कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया एम जी, तो ये एम से एम कैंसिल हो गए। ये कैसे है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी। यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू वी गेट, ये टर्म लिख सकते हो आप डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर टू, तो आपके पास वैल्यू आ गई लास्ट में आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड बाई एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, ये लास्ट इक्वेशन। यस एज यू कैन सी अब हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर द लेफ्ट हैंड साइड आर कोस थीटा। अब ये समझ लो एक बार कैसे कैसे आ रहा है, पहली क्वेश्चन सभी को समझ में आ गई थी कैसे किया हमने, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर टू को कैसे ड्राइव किया था एम जी प्लस एफ साइन थीटा डाउनवर्ड में लग रहे हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा आर कोस थीटा, तो ये क्वेश्चन आ गई, इसको इक्वेट कर लिया आर कोस थीटा ये इधर चलेगा माइनस एम जी साइन थीटा, ये इधर इक्वेट कर गया यहाँ पर एम जी, यहाँ पर ये टर्म काम नहीं आएगी एम जी। क्वेश्चन नंबर ये टू आ गई, क्वेश्चन वन और टू को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये आ गया।
इक्वेशन वन और टू को हमने डिवाइड कर लिया यानी। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारी ये आई है इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री को हमने, इक्वेशन नंबर थ्री की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपने आर कॉस थीटा से डिवाइड कर लेना है। तो हम आर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ दिस वन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर कॉस थीटा से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर टेन थीटा। कैसे माने टेन, आपने आर सर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेन थीटा बचेगा। टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर डिवाइड बाय आर को सिर्फ डिवाइड किया, यहाँ पर क्या जाएगा वन, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा इक्वल टू वही सेम वैल्यू आएगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो आप हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर थ्री को, इक्वेशन नंबर थ्री को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को आर कोस थीटा से। तो यू कैन सो द रिजल्ट, हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर इक्वल डिवाइड बाय वन माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आफ्टर दैट यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ, हमें एक टर्म पहले से पता है, अगर आपको पता है एज वी नो दैट म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये एक रिलेशन हमने किया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द डिवाइड बाय द फ्रिक्शन डिवाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी इसके बाद, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया तो आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, यहाँ से इस इक्वेशन से हम वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है, एक बार डायरेक्टली मैं राइट है वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये टर्म आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर इंटू जी, ये अलग है। तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी, अगर मैं वी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या जाएगा इस इक्वेशन का, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी स्क्वायर, अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा अंडर रूट। तो फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट करना है। अगर सिचुएशन ऐसी हो, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, अगर ये सिचुएशन आ जाए, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड, व्हीकल की स्पीड कितनी होगी अगर फ्रिक्शन ना हो, टायर्स और रोड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, तो स्पीड कितनी होगी। तो इस क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जहाँ पर भी म्यू है उसको जीरो कर देना है, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी जीरो, यहाँ पर कितनी होगी, ये सारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा बच जाएगा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द स्पीड, और फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल, वो हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द बैंकिंग एंगल या बैंकर रोड का जो एंगल है थीटा, वो कितना होना चाहिए, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टुडे वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब this channel so that the many students can be watch this video. Then for that thank you all of you, yahan tak hi humne aaj karna, next lecture mein hum discuss karenge next topic.